तो ये है सिंगापुर का सबसे ज़्यादा मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन जो कि है मरलायन स्टैचू। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस डे। या इंडिपेंडेंस डे इंडिया। और अभी के अभी एक एरोप्लेन उड़ के गया यहाँ से और काफ़ी सारे लोगों ने जंप किया। ये वाली वो बिल्डिंग है और इसके ऊपर ये पूरा इन्फिनिटी पूल है। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आपका एक नई और एक्साइटिंग वीडियो में। सो गाइज, पिछली वीडियो भी मैंने यहीं पे एंड करी थी, तो वही वाला डे है, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे लिखा जा रहा है हैप्पी बर्थडे सिंगापुर, पता नहीं क्यों। तो मुझे दिखा तो मैंने आपको दिखा दिया। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था सिंगापुर का चाइना टाउन, और अब मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ सिंगापुर का फाइनेंशियल हब। तो ये आइटिनरी भी उसी रिसेप्शन वाले ने मुझे दी थी, तो उसी आइटिनरी पे मैं चलूँगा और जो जो मुझे दिखेगा वो मैं आपको दिखाता जाऊँगा। जो सिंगापुर का फाइनेंस है वो इनकी जीडीपी में थर्ड प्लेस लेता है, तो जो इनका फाइनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है इनको जीडीपी में। तो इस वजह से जो यहाँ के फाइनेंशियल बिल्डिंग्स है वो यहाँ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है फाइनेंशियल वाली, तो वो बिल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, तो मैं आपको वो वाली बिल्डिंग्स ज़रूर दिखाता हूँ। और वैसे यहाँ पे सामने किसी चीज़ की शूटिंग चल रही है, तो यहाँ पे किसी चैनल की शूटिंग चल रही होगी, मतलब चैनल के लिए कुछ रिकॉर्ड कर रहे होंगे। और बाकी ये बहुत बड़े बड़े बैंक है, UOB बैंक ऑफ सिंगापुर, RB कैपिटल प्लस, और भी काफ़ी सारे बैंक्स हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं इनके फाइनेंशियल जीडीपी में। और ये वाली बिल्डिंग है HSBC की। और ये वाली बिल्डिंग है बैंक ऑफ चाइना की। जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है सिंगापुर रिवर। बहुत ज़्यादा क्लीन तो नहीं है पर काफ़ी हद तक क्लीन है ये। और यहाँ पे स्विमिंग करना मना है और फिशिंग करना मना है। अगर फिशिंग करते हुए पकड़े गए तो $3,000 का फाइन है। $3,000 मतलब कि 1.5 लाख या तो फिर 1,80,000 रुपये इंडिया में, सही होता है 500,000 रुपये, 2,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा, पर यहाँ पे तो 1.5 लाख रुपये, 1 लाख रुपये, ऐसे ऐसे बड़े बड़े फाइन्स हैं। तो ये वाली स्ट्रीट काफ़ी लाइवली है इस वक्त भी। तो अभी अंदर चल रहा है फुटबॉल का मैच और काफ़ी सारे लोग बैठ के महंगा महंगा खाना खा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि बहुत महंगा खाना होता होगा, तो अगर आपकी जेब बहुत बड़ी है तो आप यहाँ आके खाना खा सकते हैं। मेरी जेब तो इतनी बड़ी नहीं है। ओप्स, लॉबस्टर्स। ये वाली शायद पता नहीं कौन सी फिश है, यहाँ पे केकड़ा पड़ा है, असली है, असली तो हो गई पर जिंदा है कि पता नहीं। और यहाँ पे बहुत सारे लॉबस्टर्स पड़े हैं, काफ़ी बड़े बड़े लॉबस्टर्स हैं, मेरे हाथ से भी काफ़ी ज़्यादा बड़े, कम से कम 1 मीटर जितना लॉबस्टर है। और एक तो काफ़ी ज़्यादा हिल भी रहा था, मेरे हाथ डर गया। सी फूड से तो सच्ची में मेरे को डर लगने लग गया है। यहाँ पे मेरे एक फ्रेंड ने, मतलब जब मैं कुआलालंपुर में था फर्स्ट डे, तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझको ऑक्टोपस ट्राई करवाया था, तो मैंने ऑक्टोपस खाया उसके कहने पर और मुझे इतना बुरा लगा, इतना ज़्यादा बुरा, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि आज के बाद मैं सी फूड कभी नहीं खाऊंगा। वैसे वहाँ पे लिखा होता है कि फ़िशिंग करना मना है और फाइन है वहाँ पर ये अंकल यहाँ पे फ़िशिंग कर रहे हैं। और एक अंकल ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़िशिंग करने लग गए हैं, मतलब उसी के दोस्त वगैरह हैं। तो इस ब्रिज से, इस पॉइंट से आपको सिंगापुर की top 3 बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी, मतलब ये सारी
जिसमें से फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये वाली है। तो ये थ्री टॉप थ्री बिल्डिंग्स हैं सिंगापुर की। और ऐसा कुछ ब्रिज है, तो आप अगर सिंगापुर आते हैं तो आप यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ ले सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा फोटोजेनिक प्लेस है, क्योंकि यहाँ से आपको सिंगापुर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का नज़ारा देखने को मिल जाएगा, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया। और ये है सिंगापुर का पार्लियामेंट हाउस, इसके आगे सिंगापुर के बहुत सारे फ्लैग्स लगे हुए हैं। और इसके अंदर जाना तो ऑब्वियस सी बात है अलाउड नहीं होगा किसी को भी, तो बाहर से देख सकता है कोई भी। और बाहर यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का बंदा भी नहीं खड़ा कि वो हमें बोले कि फ़ोटोज़ नहीं ले सकते ये वो। तो ये ऐसी कुछ दिखती है। तो अगर आप मेरी तरह मशक्क़त नहीं करना चाहते, मतलब तो आप मेरी तरह प्रॉब्लम्स नहीं लेना चाहते और आप चाहते हैं सिंगापुर में घुमाने के लिए आपको आपके लिए कोई ना कोई हो, तो आप यहाँ पे एक बस सर्विस चलती है बिग बस सिंगापुर के नाम से, तो आप उससे बुक कर सकते हैं। या तो फिर आप एक हॉप ऑन हॉप ऑफ सर्विस चलती है बसेस की, तो उस पर आप बुक कर सकते हैं, जो कि आपको पूरा सिंगापुर घुमा देगा। तो उसके चार्जेस वगैरह हैं वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, बस आप गूगल पे डालो हॉप ऑन हॉप ऑफ सिंगापुर, तो आपके सामने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो आप एक सनसेट क्रूज तरीके की एक बोट होती है यहाँ पे, तो आप उसको भी बुक करवा सकते हैं अगर आपका मन है आप फैमिली के साथ आ रहे। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके की बोट आप यहाँ पे बुक करवा सकते हैं, कुछ इस तरीके की है। तो अगर आप इसको बुक करवाना चाहते हैं तो बुक करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी इसकी बुकिंग होती है। ये दे रखी है सामने रिवर क्रूज़ की इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे कुछ बच्चों का ग्रुप आया है घूमने के लिए, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की बोट है जो कि हर वक्त इस रिवर को साफ करती रहती है, क्योंकि काफ़ी लोग होते होंगे जो इसमें कचरा फेंक देते होंगे या फिर कचरा उड़ के आ जाता होगा। तो अभी हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर वाला पार्ट था वो ख़त्म हो गया, मतलब ये था पहले चाइना टाउन और ये था फाइनेंशियल सेक्टर। अब हमारा मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इस पार्ट में है, तो अभी चलते हैं हमारा ये लास्ट वाला पार्ट कवर करने के लिए। सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग यही वाला पार्ट है, तो आप इस वाले पार्ट को बिल्कुल मिस ना करना जब भी आप सिंगापुर आओ। सो गाइस, अब मैं जा रहा हूँ थर्ड पार्ट की तरफ, मतलब कि यहाँ का सबसे ज़्यादा टूरिस्टिक प्लेस, जो कि है मर लायन स्टैचू। तो मेरे सामने है मर लायन स्टैचू, मैं आपको थोड़ा सा और आगे चल के फिर दिखाता हूँ। तो अभी इस रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना पड़ा है, जहाँ से आप सारी की सारी टूरिस्ट अट्रैक्शंस, मतलब सिंगापुर में जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस पड़ती हैं वो इस पॉइंट से सारे की सारी दिख जाती हैं। ये सब देख सकते हैं आप, और वहाँ पे है मर लायन स्टैचू, और यहाँ पे इतने सारे लोग कैमरा लगा के बैठे हैं उनकी तरह, बड़े बड़े कैमरा। ये सब लोग मेरे ख्याल से और टाइम लैप्स ले रहे हैं यहाँ का। तो ये है सिंगापुर का सबसे ज़्यादा मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन, जो कि है मर लायन स्टैचू। यहाँ पे जो मेन टूरिस्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं वो चाइनीज़ हैं या फिर इंडियंस हैं, ये दो मेन टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं। बाकी तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो यूरोपियंस वगैरह वेस्टर्नर्स। तो ऐसा कुछ देखते हैं पीछे से, सबसे ज़्यादा टूरिस्टिक प्लेस है, तो मतलब टूरिस्ट कुछ ज़्यादा ही आते हैं यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। तो कई लोगों को तो खड़े होके फ़ोटो खिंचाने की भी जगह नहीं मिलती है, लोगों को हटा के फ़ोटोज़ खिंचानी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे।
because all the cars are behind this, you know where the people are? Yeah. They're all students. All students. Yeah, so behind there'll be all cars, all the ambulance, everything, you know. In case there's a bomb, then evacuation, everybody stand by, emergency. तो गाइस यहाँ पे आज इंडिपेंडेंस डे सब कुछ मनाया जा रहा है. दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस डे. या इंडिपेंडेंस डे इंडिया. आज यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही है और वहाँ पे सामने एक शो भी हो रहा है. और अभी के अभी एक एरोप्लेन उड़ के गया यहाँ से और काफ़ी सारे लोगों ने जंप किया है. जो मिलिटेंट्स होते हैं उन्होंने वहाँ से जंप किया है, तो वो लोग अभी वहाँ से नीचे आ रहे हैं. अभी आप देख सकते होंगे बहुत सारे पैराशूट हैं हवा में, बहुत सारे स्टंट्स वगैरह दिखा रहे हैं वो. GoPro में बहुत अच्छा तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर कुछ कुछ दिखाई देगा. तो सारे के सारे वहाँ पे जंप किए थे और वहाँ से जंप करके ये जहाँ पे शो हो रहा है सामने, इस जगह पे लैंड कर रहे हैं. तो उस शो में हम लोग तो नहीं जा सकते क्योंकि वो सिर्फ बच्चों को दिखाए जा रहे हैं, मतलब जो स्कूल के बच्चे वगैरह होते हैं तो उनके लिए ये वाला शो. पर जो नॉर्मल सिटीजन होते हैं वो यहाँ पर सामने खड़े होकर देख सकते हैं और सारे के सारे वहाँ पर लैंड कर रहे हैं. अभी आप आवाज़ सुन सकते होंगे. Huh? You going back? Yeah, going back. Okay, thank you. तो उससे अगली जो हमारी जगह है वो उसके सामने ही है, मरीना बे ऑफ सैंड्स. तो मरीना बे ऑफ सैंड्स तो एक बिल्डिंग है जिसपे तीन बिल्डिंग्स है जिसपे एक बड़ा सा इन्फिनिटी पूल है. तो इन्फिनिटी पूल तो सबके लिए अवेलेबल नहीं होता, वो सिर्फ उनके कस्टमर्स के लिए अवेलेबल होता है. तो इन्फिनिटी पूल पे तो हम नहीं जा सकते, पर उसके ऊपर एक और बार है जिस बार पे हम जा सकते हैं. तो मैं कोशिश करता हूँ बार पे जाने की, पर वहाँ पर ड्रिंक्स काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं. ये वाली वो बिल्डिंग है और इसके ऊपर ये पूरा इन्फिनिटी पूल है, तो इसके साथ में एक बार भी है. तो देखता हूँ अगर वहाँ पे जाके मैं सिर्फ एक बियर खरीदूँगा, और एक बियर लगभग 20 से 30 सिंगापुर डॉलर्स की आएगी, मतलब कि लगभग 1000 से 1500 रुपये तक की. तो 1000 से 1500 रुपये देने पड़ेंगे सिर्फ ऊपर जाने के. तो अगर वहाँ नहीं जा पाया तो भी कोई बात नहीं. यहाँ पे 8 बजे के आसपास यहाँ पे एक शो होने वाला है. अभी यहाँ पे शायद कुछ शो शुरू हो गया है. यहाँ पे कमांडो का हेलीकॉप्टर जा रहा है ऊपर से. यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे के दिन काफ़ी सारी यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं और काफ़ी सारी मतलब शोज़ की तरह होते हैं. तो अभी मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि पैराशूट से कमांडोज़ ने ऊपर से जंप किया था. तो अभी यहाँ पे सामने कमांडोज़ का एक हेलीकॉप्टर भी यहाँ पे लैंड किया अभी. सो गाइस ये है मरीना बे ऑफ सैंड्स का यहाँ पे शॉपिंग मॉल जैसा है. ये है मरीना बे सैंड्स, तो इसके ऊपर है इन्फिनिटी पूल और बार. तो कोशिश करता हूँ यहाँ से ऊपर जाने की. तो आज पता नहीं इंडिपेंडेंस डे की वजह से ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बंद है. वहाँ पे जो फ्लायर है सिंगापुर फ्लायर, ये जो फेरी व्हील है, फेरी व्हील भी आज बंद है. आप देख सकते हैं वो चल नहीं रहा. और ऊपर इन्फिनिटी पूल के ऊपर भी जाना पता नहीं कैसे पॉसिबल हो पाएगा. एक हेलीकॉप्टर के नीचे ये सिंगापुर का फ्लैग फहराया जा रहा है. उसी के सामने एक गार्डन्स बाय द बे. तो अभी एक घंटे के लिए ये वाला गार्डन घूम लेते हैं और फिर 8 बजे वहाँ पे, उसके बाद 8 बजे वहाँ पे शो है, वाटर शो और लाइटनिंग शो है, तो वो देखने चलेंगे. तो अभी आप मेरे सामने कुछ लोग देख रहे होंगे इस वाली जगह पे. तो इस वाली जगह पे जाने के लिए
कुछ टिकट की फ़ीस लगती है, कुछ फ़ीस देनी पड़ती है, तो अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। उतने से पॉइंट के लिए जाने के लिए मैं तो अभी पैसे नहीं दे रहा। तो ये एक काफ़ी बड़ा गार्डन है, मतलब जहाँ पे आप घूम सकते हैं। मैं आपको भी मैप पे दिखाता हूँ कितना बड़ा गार्डन है ये, और इसकी एंट्री फ़ीस भी है वहाँ ऊपर जाने के लिए। और एक यहाँ पे क्लाउड सा कुछ है, पता नहीं कुछ करके है, तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो टोटल फ़ीस आपको $42 की देनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ दिखता है, ट्री टाइप का बना रखा है ये, मतलब मैन मेड ट्री टाइप का कुछ। ये पूरा एरिया है जिसमें आप घूम सकते हैं। तो अभी हम इस जगह पे गए, तो ये पूरा आप घूम सकते हैं। तो यहाँ पे एक फ्लावर डोम और क्लाउड फॉरेस्ट करके है, तो इसमें भी आप जा सकते हैं। तो इन जगह पे सब जगह जाने के लिए आपको $42 तक देने पड़ेंगे। और टिकट ख़रीदने के लिए भी ये नहीं कि सीधा जाओ और आप टिकट मिल जाएगी आपको, आपको इतनी बड़ी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं कि टिकट काउंटर वहाँ पे है और टिकट लाइन है यहाँ से ऐसे करके। तो ऐसा भी नहीं कि सिर्फ $42 दो और जाओ, आपको इतनी देर लाइन में भी खड़ा होना पड़ेगा। तो फ़र्क बस इतना ही रहेगा कि $42 देके आप वहाँ चलेंगे और फ्री में आप यहाँ। तो $42 देने की बजाय आप यहाँ से कुछ ख़रीदें और यहाँ बैठ के कुछ खा लें, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि थोड़ा सा ऊपर जाके बस आपको थोड़ा सा और अच्छा एक्सपीरियंस होएगा, नो डाउट। तो अगर आप इस जगह पे लगभग 7:30 के बाद आते हैं तो ये सारी जगह थोड़ी सी लाइटिंग आ जाएगी यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा लाइट जलेगी एंट्रीज़ पे। तो बेटर है कि आप 7:30 के बाद ही आएँ। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय। क्योंकि अभी मेरा कैमरा की बैटरी भी ख़त्म हो गई है और मैं अभी अपने फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, और अभी थोड़ी देर में निकलूँगा वो वाला शो देख के अपने हॉस्टल की तरफ। थोड़े बहुत शॉर्ट्स उसके भी डाल दूँगा इसमें।